हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आमिर खान हियर इन फ्रंट ऑफ यू। टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9। और एक्चुअली आज मैं एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जाऊंगा टेम्परेचर पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर भी टेम्परेचर पढ़ना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अ बॉडी हैविंग 77 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर, कोई बॉडी है, सपोज दैट ये कोई बॉडी है, सपोज दैट कोई रॉड ही है, कोई भी बॉडी है, कोई रॉड है, तो इसका टेम्परेचर कितना है? 77 डिग्री फारेनहाइट इस बॉडी का टेम्परेचर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन केल्विन, इस बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में क्या होगा? तो अब आप बोलेंगे, सर टेम्परेचर दिया हुआ है फारेनहाइट में, तो कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए स्टूडेंट गिवन लिखना चाहिए। तो गिवन में टेम्परेचर कितना है? 77 डिग्री फारेनहाइट। मुझे क्या निकालना है? केल्विन निकालना है, के इक्वल टू आर। तो डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री फारेनहाइट और केल्विन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे क्या करना है? लेकिन हम तो जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस का रिलेशन केल्विन से भी है और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन आपको फारेनहाइट से भी है। तो हमें क्या करना है कि डिग्री फारेनहाइट को कन्वर्ट करना है किस में, बोलो, सेल्सियस में, और तब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिग्री सेल्सियस निकालते। तो देखिए, अगर एफ दिया हो तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला होता है आपको 5/9 इंटू एफ माइनस 32। क्या होगा? 5/9 इंटू एफ माइनस 32। ओके, तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो 5/9, एफ का वैल्यू कितना है? 77 डिग्री माइनस 32। देखो ना क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया हुआ आपको, सॉरी ये तो फारेनहाइट है ना, हम सी लिख दिए, फारेनहाइट है ये, तो आपको सी का वैल्यू कितना है? 77 डिग्री फारेनहाइट। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा मेरा? 77 माइनस 32 कितना होगा? 45। तो 5/9, अब ये तो यहाँ पे इंटू था 45, और ये हो गया डिग्री में आया ना वैल्यू, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा? 9 5 45 5 5 25, कितना आया? 25 डिग्री। इसका मतलब अगर टेम्परेचर 77 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना आया? 25 डिग्री सी, ठीक है। तो अब 20, तो इससे ये पता चला कि 77 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। और मैं आपको बता दूं, ये 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। केमिस्ट्री में ना रूम टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि 77 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, मुझे क्या निकालना था? मुझे तो अब के निकालना था, सी और के बीच में रिलेशन है, यू नो वेरी वेल। अब के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है सी प्लस 273, होता है ना, के केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस 273। तो अब देखिए सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू अभी अभी निकाल के लाए 25 और 273। ओके, देखिए बहुत आसान है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये बहुत ही इजी टॉपिक है। जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो अब तो जोर घटाव हो गया ना, तो जोर घटाव हो गया तो हम लोग के लिए बहुत इजी हो गया। देखिए ना, 5 + 3 8 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 2 एज इट इज वैसे रह जाएगा, इट मीन्स 298। तो 298 वाट? केल्विन। तो यही मेरा क्या है? आंसर है, मतलब आंसर कितना आया? 298 केल्विन। और आपको एक चीज याद रखना है स्टूडेंट, कि फारेनहाइट 77 डिग्री, डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री और केल्विन 298, ये तीनों वैल्यू बराबर होता है और ये आपको रूम टेम्परेचर है। मतलब डिग्री फारेनहाइट में 77 डिग्री फारेनहाइट रूम टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री रूम टेम्परेचर और केल्विन स्केल पर 25 केल्विन रूम टेम्परेचर है, सॉरी केल्विन स्केल पर 298 केल्विन आपको रूम टेम्परेचर है। और केल्विन में मैंने बताया था पिछले वीडियोज में, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, चूंकि वो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, उसमें आपको अलग अलग क्लास का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का वीडियोस मिलेगा। और चैनल के अबाउट सेक्शन को भी जाकर के एक बार जरूर देखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।